हम आपको एक और बहुत सुंदर जानकारी से आपको लाभान्वित करने जा रहे हैं। और आपको जिस वृक्ष के संदर्भ में मैं चर्चा करने वाला हूँ, उस वृक्ष के गुणों से तो आप लाभान्वित ही होंगे, पर उससे भी बढ़कर के आपको खुशी होगी। यदि आप जुड़े हैं हमारी भारतीय परंपरा से, तो निश्चित रूप से यह जो वृक्ष है जिसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे, वह ऐतिहासिक वृक्ष है। यह जो पेड़ है, इसको हम हिंदी में कदंब के रूप में हम इसको जानते हैं, जिसका बॉटनिकल नाम है एंथोसिफेलस कदंब। यह वृक्ष एंथोसिफेलस कदंबा का, जिसको हम कदंब के रूप से जानते हैं, यह भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ वृक्ष है। हालांकि कदंब की बहुत सारी प्रजातियां हैं, उसमें हम राज कदंब, हंस कदंब या धारा कदंब, धूली कदंब, भूमि कदंब, इस तरह से विविध नामों से कदंब की विविध प्रजातियों को जानते हैं। पुनरभि उन कदंब की प्रजातियों में, जिसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण बैठ करके बांसुरी बजाया करते थे, वृंदावन मथुरा के उन क्षेत्रों में हमने देखा है, या जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अध्ययन किया, जो उज्जैन और इंदौर का क्षेत्र है, सांदीपनी आश्रम के जो एरिया का क्षेत्र है, वहाँ भी देखा, वहाँ पर भी यही कदंब का वृक्ष उपलब्ध होता है। तो निश्चित रूप से यही वह कदंब है जिस कदंब के वृक्ष पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। तो निश्चित रूप से इसकी जो छाया है, और वृक्षों की तुलना में यह कहीं ना कहीं आपके शरीर के लिए, आपके शरीर के रोगों को दूर करने के लिए लाभकारी है, क्योंकि यह विशाल वृक्ष आप देख रहे हैं, यह छाया को भी देता है। इसके अंदर बहुत ही घनी छाया होती है और शीतलता भी प्रदान करता ही है, साथ में यह औषधीय गुणों से भी बहुत भरपूर है। हालांकि अभी हमारे आयुर्वेद के अंदर एकल जड़ी बूटी के रूप में, या जो मिश्रित औषधियां जो हम आयुर्वेद में बनाते हैं, दोनों ही रूप में इस कदंब का जितना प्रयोग होना चाहिए, जिन रूपों में प्रयोग होना चाहिए, वह अभी नहीं हो रहा है। उसके ऊपर हमें अनुसंधान और रिसर्च करना चाहिए। कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो वर्षों से परंपरागत रूप से हमें प्राप्त हो रहे हैं, उन प्रयोगों के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। ये भगवान श्री कृष्ण से इतिहास से जुड़ा हुआ यह जो वृक्ष है, ये कदंब का पेड़। कदंब एक तरह से जहर शामक वृक्ष है। इसके अंदर जो विषैले जंतु हैं, या कहीं क्षेत्र में ऐसा भी कहा जाता है कि सांप कटे हुए रोगियों को इस कदंब के पेड़ का जो छाल है, उसका सेवन कराते हैं। वह हमारे प्रयोग में तो नहीं आया अभी, हमने ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया, परंतु हमने इतना ज़रूर देखा है, इस कदंब का जो पेड़ का जो छाल है और इसकी जो पत्तियां हैं, यदि उसको उबाल करके या पत्तियों का रस निकाल करके पुराने जो घाव हैं, या जो गले हुए जो घाव हैं, जो भर नहीं पा रहे हैं, जो मवाद पड़ रहा है, उस घाव को यदि आप इसके पानी से उबाल करके आप धोते हैं, तो उससे पूरा वो घाव भरने लगता है, घाव का जो इन्फेक्शन है वो ठीक होने लगता है। तो इसके लिए इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमने इसका प्रयोग जो हमने पाया है, खाज खुजली में भी यह अत्यंत लाभकारी है। जैसे आपको शीत पित्त हो, ऑर्टोकेरिया जिसके अंदर बहुत ही खुजली मचती है, और किसी भी कारण से आपके शरीर में यदि खुजली हो रही हो, हालांकि खुजली के लिए हम औषधि जो निर्मित करते हैं, उसमें हमारी जो कायाकल्प वटी है, वह आपकी खुजली से आपको मुक्त करती है, आपकी काया को कल्प कर देती है। बहुत ही अच्छी औषधि है कायाकल्प वटी, पूरे देश में इसको जानते हैं। स्किन की कोई भी परेशानी हो, चाहे वो दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, पिंपल्स, एग्ने, जो भी हो, उसमें आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। दो गोली सुबह, दो गोली शाम को पानी के साथ लेना है, खाली पेट सुबह लेना है, शाम को खाने से एक घंटा पहले। परंतु यह
जो कदंब का पेड़ है वह भी उस चीज़ में बहुत ही काम करता है। उसके लिए आपको इसके पत्तों का रस निकाल करके इसको कूट करके इसमें रस निकल जाता है, आराम से कूट करके उस रस को यदि आप धीरे धीरे शरीर में मालिश करते हैं तो उससे आपकी जो त्वचा की जो विकृति है, खुजली है, विशेष करके खाज और खुजली में यह अत्यंत लाभ करता है इसका पत्तों का रस, यह कदंब का जो पेड़ है। और यदि आपके हुए हैं मुंह में छाले, मुख के छाले के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और ऐसा इसके आयुर्वेद में ग्रंथों में वर्णन है। अभी हमने इसका प्रयोग इतने तादाद में शुरू नहीं किया, आप देख रहे हैं इसमें कितना सुंदर सा यह फल आता है, इसकी पत्तियां और इसका यह कदंब का फल। तो इसके फलों को अभी तो कोई प्रयोग, सिर्फ एक इसमें से एसेंशियल ऑयल ज़रूर निकाला जा रहा है जो बहुत ही अच्छा है। तो इस फल को आयुर्वेद में बहुत पौष्टिक माना गया है, यह कदंब का फल। इस कदंब के फल को यदि आप टुकड़े करके इसको सुखा दें, सुखा करके पाउडर करके सेवन करें तो यह पौष्टिक भी माना गया है, जंतुघ्न माना गया है, जिससे कि जो विषैले छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े लड़ जाएं तो उसमें भी यह कारगर है। तो पौष्टिक कितना है यह एक अभी बहुत बड़े मात्रा में यह प्रयोग करके देखने की बात है, पर यह निरापद है, इसका आप सेवन कर सकते हैं। तो यह कदंब का फल इसका पाउडर करके यदि आप सेवन करें प्रातः और सायंकाल, यह आपको देगा, आपकी ताकत शक्ति को बढ़ाएगा, यह बहुत ही शक्तिदायक फल है यह कदंब।